आप सुन रहे हैं लव साइट पॉडकास्ट विद आरजे प्रियंका भाग 6। अनाहिता ऊपर से सब देख रही थी, हालांकि उसे सब कुछ तो नहीं समझ में आ रहा था, पर कार्तिक के आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। अनाहिता वहां से नंदिनी के रूम में जाती हैं। नंदिनी की आंखें भी आंसुओं से भरी होती हैं। अनाहिता को देखते ही वो अपने आंसुओं को साफ कर लेती है। नंदिनी कहती है, अरे अनाहिता तू यहाँ कैसे? अनाहिता कहती है, नंदू क्या हुआ आपको? नंदिनी कहती है, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अनाहिता कहती है, फिर आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? नंदिनी कहती है, वो कल मैं लेंसेस पहनने वाली हूँ ना, तो बस वही ट्राई कर रही थी, शायद इस वजह से हो गई होंगी। अनाहिता अपने बेड पर आकर बैठती है और कहती है, पक्का नंदू आप ठीक है ना? नंदिनी अनाहिता के पास आकर बैठती है और कहती है, हाँ मेरी जेम्स बॉन्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कहाँ थी इतनी देर से? अनाहिता कहती है, बाहर वाले हॉल में खड़े थे, वहाँ से गार्डन कितना ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली वो चंपा की बेलें। नंदिनी कहती है, वो तो भाई के जिद की वजह से है, वरना दादू का बस चलता तो अब तक वो वहाँ कुछ एक अलग सा पौधा लगा चुके होते। अनाहिता कहती है, हमें लगता है पार्थ को नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। नंदिनी कहती है, हाँ वो तो है, उनका बस चले तो दिन भर हम सबको गार्डन में बैठा कर रखें, और जब भी आते हैं ना खुद कहीं जाते हैं और ना ही हम सबको जाने देते हैं, बस पूरा दिन हंसाते रहते हैं। घर का हर मेंबर हर वक्त उनके साथ होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। अनाहिता कहती है, आज के टाइम में भी ऐसे लोग होते हैं, पार्थ से मिलकर हमें ये यकीन आ गया है, सच में वो काफी अच्छे हैं। पहली बार आप दोनों के अलावा कोई और भी है जिसके साथ हम इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आज तो उन्होंने हमें हंसा भी दिया। नंदिनी कहती है, चलो कोई तो है जो तुझे हंसा सकता है, चल अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। अनाहिता नंदिनी से कहती है, नंदिनी प्रॉमिस कर कि कभी तुझे कोई बात हर्ट करे या कोई इंसान, तो तू मुझे जरूर बताएगी। नंदिनी कहती है, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई है भी तो वो पास्ट है, और तू उससे बिल्कुल भी परेशान मत हो, अगर मुझे कभी ऐसा लगा तो मैं तुझसे जरूर शेयर करूंगी, चल अब जल्दी से सो जाते हैं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। नंदिनी कहती है, गुड नाइट। अनाहिता ने मन ही मन सोच लिया था कि नंदिनी की आंख में आंसू जिस वजह से आए हैं, हम उसको पता कर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कभी भी ऐसा ना हो। दूसरे दिन शांति भवन में भागा दौड़ी मची थी। शाम को रिया की सगाई है, कोई अपने कपड़ों की फिटिंग देख रहा था तो किसी के जूते नहीं मिल रहे थे, किसी के ड्रेस की मैचिंग की इयररिंग नहीं थी, तो कोई चाय के लिए बोल रहा था, और कोई तो अपने बालों को ही लेकर बेहद परेशान था। सुबह अनाहिता किसी काम से रिया के रूम में जा रही होती हैं, तभी वो कार्तिक से टकरा जाती हैं। कार्तिक कहते हैं, धीरे धीरे अनाहिता जी, बंदे को चोट भी लग सकती है। अनाहिता कहती हैं, सॉरी वो एक्चुअली हमारा ध्यान कहीं और था। कार्तिक जाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं। अनाहिता कहती हैं, कार्तिक सुनिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कार्तिक कहते हैं, क्या बात करनी है बताइए। अनाहिता कहती है, अभी नहीं, आप थोड़ी देर में हमें टेरेस पे मिलिए। कार्तिक कहते हैं, हाँ ठीक है मिलता हूँ, पहले ये दादू को दे आओ। हाथ में ली हुई अंगूठी को दिखाकर ये बात अनाहिता से कहते हैं। सारा दिन काम में बीत जाता है, ना ही अनाहिता को टाइम मिलता है और ना ही कार्तिक को। शाम को अनाहिता फ्री होकर बाहर आती है। अनाहिता देखती है थोड़े बहुत मेहमान तो आ ही चुके हैं, लेकिन अभी रिया के ससुराल वालों को आने में एक घंटा था। वो कार्तिक को ढूंढने लगती हैं। वो बाहर गार्डन की तरफ आती हैं। वहाँ उसे कार्तिक दिखाई देता है। वो कार्तिक की तरफ जाने को होती ही हैं, तभी देखती हैं कि एक लड़की बार बार कार्तिक के हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब खींच रही होती है, लेकिन कार्तिक की नजर किसी दूसरी तरफ है और वो बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अनाहिता कार्तिक के पास जाती है। अनाहिता कहती है, कार्तिक हमें आपसे कुछ बात करनी है। कार्तिक कुछ बोले उससे पहले वो लड़की जानबूझकर कार्तिक की तरफ होकर खड़ी हो जाती है। ये लड़की सिया है, कार्तिक के पापा और विजय जी की कॉमन फ्रेंड, जो कि कार्तिक और पार्थ की कॉलेज फ्रेंड भी है। अनाहिता शांति से उसके चेहरे की ओर देखती है और वहाँ रखा उसका हैंड पर्स उसके हाथ में देते हुए कहती है, आप यहाँ से जा सकती हैं प्लीज। सिया कहती है, जब कार्तिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ खड़े होने से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
और वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। अनाहिता कहती हैं, भाई हैं ये हमारे, तो इस मामले में ये हमारी प्रॉपर्टी हुए। अब आप सीधे से यहाँ से निकल जाइए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया इतराते हुए कहती हैं, और अगर ना जाऊं तो? अनाहिता को अब तक बहुत गुस्सा आ चुका था। अनाहिता ने वो पर्स उठाकर बाहर फेंकते हुए कहा, शांति से बात समझ में नहीं आती, चलो अब निकलो। लड़की कहती है, तुम तो पागल लगती हो, बाद में देख लूंगी तुम्हें। कार्तिक जहां अनाहिता को देखकर बेहद खुश हो रहा था, वहीं उसे उस लड़की पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप था। अनाहिता कार्तिक की तरफ मुड़ते हुए कहती है, माफ कीजिएगा कार्तिक, लेकिन वो हमारी बात शांति से नहीं सुन रही थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। कार्तिक कहते हैं, जो भी अभी आपने किया तो उसके लिए सॉरी क्यों बोल रही हैं आप? अभी तो कहा ना कि मैं आपका भाई हूँ, तो भाई बहन में कैसी सॉरी? वैसे भी तुमने बहुत अच्छे से समझाया उसे। अनाहिता कहती है, मतलब आपको बुरा नहीं लगा? कार्तिक कहते हैं, अरे काहे का बुरा, तुमने तो जान छुड़ा दी हमारी उससे। जबरदस्ती के पीछे पड़ी हुई है वो, हमारे कॉलेज की है, उस पर पापा के फ्रेंड की लड़की है, तो झेलना तो पड़ता ही है। तुम बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? अनाहिता कहती है, कार्तिक वो ना, इससे पहले कुछ अनाहिता कह पाती है कि वहाँ पार्थ आ गया था। पार्थ कहता है, क्या हो रहा है यारो? कार्तिक कहते हैं, कुछ नहीं, बस यार मैं और अनाहिता बातें कर रहे थे। वैसे तूने अभी अनाहिता का एंग्री लुक मिस कर दिया, क्या समझाया इसने सिया को? पार्थ कहते हैं, मैं समझा नहीं कुछ। कार्तिक पार्थ को सब कुछ बताते हैं। पार्थ कहते हैं, मतलब आज तो सिया की महा बेइज्जती हो गई, वैसे मुझे आदत हो गई है इनके एंग्री लुक की। कार्तिक कहते हैं, वो भी किलो के भाव में। पार्थ जाते हुए कहते हैं, अनाहिता सुनो ना। अनाहिता कहती है, हाँ पार्थ। पार्थ कहते हैं, कल जो ड्रेस ली थी तुमने वही पहनना। अनाहिता मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है। पार्थ एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए हुए रिया की ससुराल वालों का स्वागत करने चले जाते हैं। अनाहिता रिया के पास आ गई। रिया लगभग तैयार हो चुकी थी, पीच कलर का लहंगा विद गोल्डन ब्लाउज, माथे पर छोटा सा मांग टीका, हैवी इयररिंग्स, हाथों में चूड़ियां, फुल ट्रेडिशनल लुक में रिया बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। रिया को समर यानी कि उनके होने वाले पति का कॉल आ रहा था। नंदिनी हंसते हुए बोलती हैं, कोई एक्स का चक्कर तो नहीं है दी? कितनी बार कॉल आ चुकी है, आपने उठाया नहीं? रिया कहती हैं, नंदू इस टाइम मजाक मत कर, वैसे ही मैं इतना नर्वस हो रही हूँ, समर का फोन बार बार आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अनाहिता कहती हैं, तो दिया फोन उठाइए ना, और नर्वस तो बिल्कुल मत होइए, आज आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं, और आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है। तब तक नंदिनी कॉल पिक कर लेती हैं। समर को लगता है कि रिया होगी। समर कहते हैं, और मैडम कैसी हो? यार मुझे देखना है तुम्हें। सुनो ना, समर कुछ बोलने वाला होता ही है, तभी नंदिनी उसे रोकते हुए बोलती हैं, वेट जीजू, मैं नंदू हूँ, दी नहीं, वैसे आप कुछ कह रहे थे? समर कहते हैं, कैसी हो नंदू? नंदिनी कहती हैं, जीजू मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? दी आ ही रही है। समर कहते हैं, मैं? और बेसब्र? नहीं तो, मैंने तो बस तुमसे बात करने के लिए फोन किया था। नंदिनी कहती है, हाँ वैसे क्या बात करनी थी आपको मुझसे? समर कहते हैं, यही कि हमारी प्यारी और खूबसूरत सी सालियां कहाँ हैं, जब से आए हैं दिखाई नहीं दे रही है। नंदिनी कहती हैं, बात घुमाने का कोई फायदा नहीं है जीजू, आपने कॉल तो दी को किया था, मुझसे बात करनी होती तो मेरे फोन पे करते, वैसे दी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। समर कहते हैं, तो एक पिक तो बनती है। समर के कुछ और कहने से पहले रिया ने फोन ले लिया था। रिया कहती है, सो माय डियर हस्बैंड, मैं स्टेज पे आ रही हूँ, वहीं देख लेना, और अब फोन रखो, मुझे रेडी भी होना है। समर कहते हैं, लेकिन, रिया कहती है, कुछ नहीं, बाय। रिया फोन काट देती है। उसके बाद वो अनाहिता की ओर देखने लगती है, तुम्हें नहीं रेडी होना है? अनाहिता कहती है, दी आप जानती हैं हमें मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंदिनी कहती है, पर आज तो करना पड़ेगा, ये कहकर उसके चेहरे पर कंसीलर लगाती है। अनाहिता कुर्सी से उठते हुए, नहीं 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 हमें ये नहीं करना प्लीज। नंदिनी उसे वापस कुर्सी पे बैठा देती है और कहती है, ठीक है मेकअप मत कर, एटलीस्ट काजल तो लगा ले। अनाहिता कहती है, हाँ वो हम खुद लगा लेंगे। तभी राधा जी, अनु जी, रिद्धिमा जी कमरे में आती है। अनु जी रिया के कानों के पीछे काजल लगा के कहती है, हमारी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। वैसे तो माँ के प्यार को तोला तो जा नहीं सकता, लेकिन रिया को राधा माँ से ज्यादा अनु जी प्यार करती है। राधा जी कहती है, रिया बेटा
बाहर चलो, थोड़ा हॉल में आपके सासू माँ आई हैं, उनके यहाँ कोई रस्म है जो वो पूरी करना चाहती हैं। राधा जी कहती हैं जल्दी आना, इस रस्म के बाद तुरंत स्टेज पर जाना है। नंदिनी कहती हैं हाँ माँ, बस मैं आ रही हूँ। राधा जी और बाकी सब रिया को लेकर हॉल में आते हैं, जहाँ रिया की सास, उसका देवर और परिवार की कुछ औरतें बैठी होती हैं। रिया सबके पांव छूकर वहीं बैठ जाती हैं। उसकी सास यानी कि ऋचा जी उसे फूलों की ज्वेलरी पहनाती हैं, जैसे हाथ फूल, कमरबंद, पायल, हार। इन सबको पहनने के बाद रिया और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती है। तभी पार्थ और कार्तिक आते हैं। पार्थ कहते हैं माँ मुहूर्त का टाइम हो गया है, रिया दी को ले चलिए। राधा जी कहती हैं नंदिनी और अनाहिता को तो बुलाओ। मुक्ति कहती हैं हम बुला कर लाते हैं। पार्थ कहते हैं तू जाएगी तो अटक ही जाएगी, रुक मैं बुलाता हूँ। पार्थ दौड़ते हुए जाते हैं और गेट बंद होने के कारण उसे बजाने लगते हैं। पार्थ दो तीन बार गेट पर आवाज लगाते हैं। अचानक में अनाहिता दरवाजा खोलती है और पार्थ का हाथ उसके चेहरे पर आ जाता है, क्योंकि पार्थ पीछे की तरफ देख रहा होता है, इसलिए वो अपने हाथ से अनाहिता का चेहरा छूने लगता है और उसका हाथ जहाँ अनाहिता के होठों पर आता है, अनाहिता उसे जोर से काट लेती है। पार्थ आउच। नंदिनी क्या हुआ? अनाहिता हमने काट लिया। नंदिनी कहती है लेकिन क्यों? अनाहिता कहती है वो बोलते बोलते अनाहिता इतना रुक जाती है। नंदिनी वो क्या? अनाहिता कुछ नहीं। और पार्थ आप क्यों इतनी देर से गेट पीटे जा रहे हैं जैसे भूकंप आ गया हो? अनाहिता पार्थ की ओर देखकर कहती है लेकिन पार्थ तो जैसे जम ही गया था अनाहिता को देख के। अनाहिता ने ब्लैक गाउन पहना था जो स्लीवलेस होने के साथ बैक डीप था, उस पर उसकी नीली आंखों में काजल, कमर पर आते उसके खुले बाल और होंठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर पागल ही हो सकता था। पार्थ के ना सुनने पर अनाहिता उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलने लगती हैं। पार्थ सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पीछे से कार्तिक आया और पार्थ की पीठ पर एक भयंकर सा मुक्का मारते हुए कहता है भाई सगाई आज ही है, तू बुलाने आया था, यहाँ तो स्टैचू खेलने का खुमार कहाँ से शुरू हो गया? कार्तिक के घूसे पड़ते ही पार्थ को होश आ जाता है। पार्थ कहते हैं बाद में बताता हूँ, अभी चल जल्दी वरना मार पड़ जाएगी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या पार्थ अपने प्यार का इजहार अनाहिता के सामने करेगा या अब भी वो सिर्फ शांत रहना चाहता है और मनी मन उसे चाहने की कोशिश तो करता ही है लेकिन सबसे छिपाता है? क्या होगा आने वाले भाग में, ये जानने के लिए सुनते रहिए लव साइड पॉडकास्ट विद आरजे प्रियंका।